एक गीत आपको सुनाता हूं। मेरी मादरी जबान नहीं है पंजाबी, मैं हिंदी का बेटा हूं, पंजाबी हमारी मौसी है, लेकिन मैंने शिव बटाल भी सुन के पंजाबी सीखी है कि पुछ दे ओ हाल फकीरा दा, साडा नदिया विछड़े नीरा दा, यहां से पंजाबी सीखी है। एक गीत सुनाता हूं आखिरी आज की शाम का, और ये गीत उन्हें भी समर्पित है जो इस वक्त आपको हल्की हल्की ठंड लग रही है, लेकिन इसी वक्त -40 -30 में हिंदुस्तान के कुछ बेटे सियाचिन में, कारगिल में इसलिए जाग रहे हैं कि दिल्ली में आज तक का साहित्य महोत्सव निर्विघ्न संपन्न हो, आनंद के साथ संपन्न हो, आप चिंतित ना। और दोस्तों, मैंने भी विश्वविद्यालय में नौकरी की, आप सब भी नौकरी करते हैं, सैनिक भी वेतन पाता है, हमने भी वेतन पाया। हमारे और उसके काम करने में केवल एक मात्रा का अंतर है, ठीक लगे तो हथेलियों को फिर गर्म कर देना। सैनिक में और हमारे काम में सिर्फ इतना अंतर है कि हम वेतन के लिए काम करते हैं, सैनिक वतन के लिए काम करता है, केवल एक मात्रा का अंतर। तब मैं आपको एक कविता सुना रहा हूं और अपने सबसे बड़े स्टार, सबसे बड़े हीरो को समर्पित कर रहा हूं, हिंदुस्तानी यूथ आइकन को समर्पित कर रहा हूं, सुनिएगा। के सरदार किशन दापूत राजमाता विद्या दा जाया, धन्य भाग खटकण कला तो जग में प्रकाश को आया, कि झेलम दिया लहरा बोल उठी, झेलम दिया लहरा बोल उठी, झेलम दिया लहरा बोल उठी, गजला दिया बहरा बोल उठी, गजला दिया बहरा बोल। वो तीन दोस्त फांसी पर चढ़ गए, हम दो हाथ तो उठाई सकते हैं। झेलम दिया लहरा बोल उठी, गजला दिया बहरा बोल उठी, पिंडा विच उठी पुकारा जद खुद शहरा शहरा बोल उठी, पिंडा विच उठी पुकारा जद खुद शहरा शहरा बोल उठी। सोए मुल्क विच बलिदा नादा, सोए मुल्क विच बलिदा नादा, शुरू किया जगराता। होए होए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया, सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। ओए वडे वीर साडे, साडी एक है भारत माता। ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। सुनिए भगत सिंह कैसे तैयार होता है, कहीं भी पहली बार सुना रहा हूं। साहिब जादिया दिगा था बंदा बैरागी ताप सुने, साहिब जादिया दिगा था बंदा बैरागी ताप सुने, बाबे दीप सिंह दी होस लभी गुरुआ दे पुण्य प्रताप सुने, खेता विच बंदूका बोई, खेता विच बंदूका बोई, चाचे अजीत दे करम सुने, चाचे अजीत दे करम सुने, कूका सरदारी कंठ धरी गुरु ग्रंथ साहब दे जाप सुने, कूका सरदारी कंठ धरी गुरु ग्रंथ साहब दे जाप सुने। जनगण मन दा तू ही सच्चा, जनगण मन दा तू ही सच्चा, भारत भाग्य विधाता। होए होए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल चढ़ गया नाता। होए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल चढ़ गया नाता। होए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल चढ़ गया नाता। होए वडे वीर साडे, साडी एक है भारत माता। आखिरी बन सुनिएगा और विदा दीजिए इसे। आजादो परवाना बोला, कौन आजाद, जिसने कहा था अंग्रेजों के कारखाने में अभी वो गोली नहीं बनी,
जो मुझे गिरफ्तार कर सके। मैं आजाद पैदा हुआ था, आजाद बनूंगा। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बो, मेरे साथ गाओ। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोल, झांसी दी दीवानी बोली, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आजकल बहुत चर्चा में, लेकिन सबसे बड़ी वुमेन एंटरप्रेन्योर हिंदुस्तान की 23 साल की वो नववधू थी, जिसने अपने नवजात शिशु को अपनी पीठ पर बांधा, दोनों हाथों में तलवारें उठाई और दांतों में वल्गा दबाकर कहा, अंग्रेजों की औकात नहीं कि मेरे जिंदा रहते हुए झांसी पर कदम रख सके। वो सबसे बड़ी है। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोला, झांसी दी दीवानी बोली, झांसी दी दीवानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखरी हरियाणी जानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखरी। सबसे बड़ा महानायक, 83 साल की उम्र में महानायक था, हिंदुस्तान की आजादी की पहली लड़ाई का सेनापति बहादुर शाह जफर। रंगून में गया तो मुझसे मेरे प्रमोटर ने पूछा, कहाँ जाएंगे घूमने, सिल्क खरीदेंगे या कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, नहीं, मैं शहरों के खानदान के सबसे बड़े अजीज, आजादी की पहली लड़ाई के महानायक, अपने बुजुर्ग बहादुर शाह जफर की कब्र पर उन्हें सलाम करने जाऊंगा कि आपके खानदान का लड़का आया है, आपको धन्यवाद देने। आजादो परवाना बोला, झांसी दी दीवानी बोल, जद शाह जफर दी सांस आखरी हरियाणी जानी बोली, लंदन तक तखत हिलाया किर, लंदन तक तखत हिला, याद आ गया किसने हिलाया? लंदन तक तखत हिलाया किर लंद। बादशाह जफर ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। काजादो परवाना बोला, अगरी आखिरी 5 मिनट है, हथेलियों को गर्म कर दीजिए। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोला, झांसी दी दीवानी बोली, झांसी दी दीवानी बोल, जद शाह जफर दी सांस आखरी हरियाणी जानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखरी हरियाणी जानी बोल, लंदन तक तखत हिलाया खिर, लंदन तक तखत ही। कैसे लोग रहे होंगे यार, कैसे लोग रहे होंगे। अशफाकुल्ला खां और बिस्मिल दोनों दोस्त थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू, अशफाकुल्ला खां पठान। अशफाक थोड़े छोटे थे, जब फांसी की सजा हुई तो अशफाक की आंखों में आंसू आ गए, तो पंडित बिस्मिल ने गले लगाकर कहा, मेरा शेर रोता है, ये तो मौत का वक्त है मादरे वतन पर। तो पंडित जी के गले लगकर रोते हुए कान में अशफाक ने कहा, पंडित जी इसलिए नहीं रोता बिस्मिल साहब कि मौत आने वाली है, इसलिए रोता हूँ आप हिंदू हैं, आपके यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है, आप इस मादरे वतन पर हिंदुस्तान पर मिटने के लिए दोबारा आ जाएंगे, मुझे एक ही जन्म मिला कि मैं अपनी माँ पर कुर्बान हो पाया। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोल, झांसी दी दीवानी बोली, झांसी दी दीवानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखरी हरियाणी जानी बोली, लंदन तक तखत हिलाया कि सुखदेव राजगुरु नाल, जदों दिल्ली विच पग बसंती पा गुरुआ दी कुर्बानी बोली, दिल्ली विच पग बसंती पा गुरुआ दी कुर्बानी बोली, मेरी कोख भी होए, मेरी कोख भी, हाथ उठाकर होए, मेरी कोख भी, हाय मेरी कोख भी, मेरी कोख भी जाए भगत सिंह, मेरी कोख भी जाए भगत सिंह, दुआ करे हर माता, हाय होए वीर भगत सिंह वे, तेरे नाल जुड़ गया नाता, हाय वीर भगत सिंह वे, तेरे नाल जुड़ गया नाता, हाय बजे परा एक है भारत माता, हाय वीर भगत सिंह।
शुक्रिया।